बीपी इकाई देहरी ने एससीए चुनाव करवाने व परीक्षा में हो रही अनियमितताओं के सुधारीकरण के लिए 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल की। इस मौके पर एवीबीपी के एक पदाधिकारी ने बताया कि मंगलवार को पूरे प्रदेश में एससीए चुनाव बहाल करवाने के साथ साथ परीक्षा के दौरान बरती गई अनियमितताओं के साथ साथ क्षेत्र में बढ़ रहे अपराधों व नशे पर पूर्ण अंकुश लगवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल की। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर सरकार ने फिर भी एबीवीपी की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश ने पूरे हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल का जो अभियान चलाया, जिसके तहत देहरी इकाई में भी ये अभियान चलाया गया है, जिसमें प्रदेश की विभिन्न विभिन्न मांगे हैं, चाहे वो समाज में फैल रही कुरीतियां हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो रही धांधलियां, शिक्षा का व्यापारीकरण, छात्रों के लोकतंत्र अधिकारों का हनन, एससीए चुनावों का, इस पे आज विद्यार्थी परिषद ने 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल किया। ये विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की मुहिम चलाई है, जिससे विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार से यह आह्वान करती है कि एससीए चुनाव को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, परीक्षा में आ रही परीक्षा परिणामों में आ रही अनियमितताओं को जल्द से जल्द ठीक किया जाए तथा हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा क्लस्टर विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का निर्माण जल्द से जल्द हो और क्लस्टर विश्वविद्यालय में इसी सत्र से क्लासेज बैठी जाए तथा विद्यार्थी परिषद साथ में यही भी मांग करती है कि हमारे समाज में फैल रही आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसी जाए तथा इसके लिए ठोस कदम सरकार द्वारा। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए फतेहपुर से सुरेंद्र मिन्हास की रिपोर्ट।